हेलो दोस्तों, नमस्ते। आंटी की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ, उसका नाम है आलू प्याज का परांठा और प्याज का रायता। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है और इसके लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है। ये मैंने गेहूं के आटे का डो बना लिया है, जैसे आप परांठे का और उसका डो बनाते हैं इसी तरह के मैंने डो बना लिया है। और ये मैंने आलू लिए हैं, उसको मैंने उबाल लिए हैं। ये मैंने रायते के लिए दही लिया है मैश किया हुआ, ये मैंने बारीक कटी हुई प्याज ली है। मसालों में मैंने गरम मसाला लिया है, धनिया पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, और ये नमक लिया है, और ये हींग लिया है। और रायते के लिए मैंने भुना हुआ जीरा लिया है और पुदीना सूखा हुआ लिया है, और ये मैंने हरी मिर्च कटी हुई ली है। अब ये मैंने आलू लिया है, इसका हम मसाला बनाएंगे। इसमें प्याज डाल देंगे हरी मिर्च डाल देंगे, नमक डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर वो आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ये गरम मसाला। अब इसको हम मैश कर देंगे। आप हाथ से भी कर सकते हैं, मेरा मसाला बन चुका है। तब मैंने प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसका छोटा सा रोल लेंगे, इसमें आटा लगाएंगे, इसको मैं एक टिप्स आपको बताती हूँ कि जब आलू का परांठा बनाएं तो आप इतना सा बेलने के बाद में थोड़ा सा आटा भुरक दें इस तरह से, और फिर इसके ऊपर आप ये आलू का मसाला लगा दें। तो इससे क्या है, आपको बेलने में प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखिए इस तरह से को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, अब हम ये आटा लेंगे और इसको बेल देंगे, धीरे धीरे करके बेलेंगे, ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे। अब ये हमने तवा रख दिया था, उसमें हमने तेल रख दिया। ये पहले मैंने गरम करने के लिए रख दिया था तवा, और अब इसमें हम पराठा डाल देंगे। अब ये नीचे से सिक चुका है, अब हम इसको पलट देंगे, और हम गैस मीडियम में ही रखेंगे, तेज नहीं रखेंगे। देखिए अब नीचे से सिक चुका है, अब हम इसमें तेल डालेंगे, तेल घी जो आप खाते हैं वो डालें, और इसको पलटेंगे, और इसके ऊपर भी कुछ तेल डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से सेकेंगे। हमारा पराठा सिक चुका है, दोनों तरफ से सिक चुका है, निकाल लेंगे। देखिए अब जो रायते के लिए मैंने मैश किया हुआ दही लिया था, उसमें हम प्याज डाल देंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, जो पुदीना सूखा हुआ था वो हम डाल देंगे, और ये जीरा भुना हुआ डाल देंगे, और ये हींग डाल देंगे,
से हम चला लेंगे। देखिए कितना अच्छा रायता बना है और इस पराठे के साथ में बहुत अच्छा लगेगा। अब हमारा आलू प्याज का पराठा और प्याज का रायता बनकर तैयार हो गया। आप इसे खाइए, खिलाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत टेस्टी बनता है ये, तो आप जरूर बनाइए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।